जनाब टॉपिक दोबारा से समझाता हूँ। देखिए बेटा, जब मैं नंबर ऑफ लाइंस निकालना चाहता हूँ तो पहले मैं निकालूंगा टोटल लाइंस। टोटल लाइंस का मतलब है ये सारी की सारी लाइंस, ऐसा ही है। टोटल लाइंस ये सारी की सारी ब्लैक वाली होंगी। बताइए अली सरवर, अली सरवर बेटा क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? 6 पॉइंट से यही सारी की सारी लाइंस बनेंगी, नहीं इसके अलावा भी कोई बनेगी? ठीक है, अब आ जाइए ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। मुझे बताइए ये 6 लाइंस एक्स्ट्रा काउंट हुई हैं या नहीं काउंट हुई हैं? टोटल लाइंस में ये 6 लाइंस एक्स्ट्रा काउंट हुई हैं या नहीं काउंट हुई हैं? हुई है ना एक्स्ट्रा काउंट शाजेब, क्योंकि टोटल लाइंस जो मैं निकाल रहा हूं वो तो मैं निकाल रहा हूं NC2 के फॉर्मूले से, और इन दिस केस वो 15 आ रही हैं। 15 थोड़ी लाइंस बन रही मेरे पास, मेरे पास तो 10 लाइंस बन रही। यहाँ जो आंसर आएगा वो तो 10 आएगा भाई, तो 15 तो गलत आंसर आ रहा है ना, है शाहजेब? तो इसका मतलब मीन एक्स्ट्रा रिपीट के उसमें देख रहा था। अच्छा, तो ये उसके अंदर एक्स्ट्रा काउंट हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर इनको करूंगा माइनस। तो मैं माइनस करूंगा कौन सी लाइंस जो के कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर लाइंस किसकी बन रही हैं? ए की बन रही हैं, बी की बन रही हैं, सी की बन रही हैं, डी की बन रही हैं। तो इनकी जो लाइंस हैं मैं उसको लिखूंगा 4 कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि 4 में से 2-2 वाले कॉम्बिनेशन, तो वो बन जाएगा 6। तो मैंने यहां पर उसको लिखा है माइनस MC2। तो मैं यहां दोबारा बता देता हूं कि N जो है वो क्या है, टोटल पॉइंट्स हैं, और M जो है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
तो जब मैंने 15 में से 6 माइनस किया तो आंसर अभी भी गलत आ रहा है, क्योंकि आंसर आ रहा है 9। उसकी क्या वजह है? कि जिनको हम 6 लाइंस गिन रहे थे वो 6 नहीं है बल्कि एक लाइन है। तो जब हमने माइनस किया तो सारा का सारा सब कुछ माइनस हो गया, तो ये एक लाइन तो है ना, तो इसीलिए हम यहां पर करेंगे +1, तो हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे सवाल कराऊंगा तो फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल फॉर्मूला समझ में आ गया? फॉर्मूला समझ में आ गया? ये जो रेड से बॉक्स में किया है ये है, क्वेश्चन करवाता हूं फिर क्लियर होगा आप लोगों को। How many lines can be formed by using 9 points out of which 5 are collinear? ये सवाल है। तो जनाब इसका आंसर आएगा 9c2 माइनस 5c2 प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 8/2 माइनस 5 × 4/2 प्लस 1, 36 माइनस 20 प्लस 1, आंसर आया 17। बात समझ में आ गई? सवाल क्लियर हो गया सबको? अब सबको क्लियर है? क्लियर है? पर क्वेश्चन सर बात सर 5c2 10 आएगा। अबे यार सॉरी, ये 10 आएगा, सॉरी। अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं बोलिए, पूरा बोलिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझा दूं। ये सवाल अगर मैं कहूं कि जनाब 13 पॉइंट्स हैं और 8 जो है वो कोलिनियर है, सर टॉपिक्स का थोड़ा बाद में इंट्रो करवा दीजिएगा, मैं ये टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा लेट एडमिशन को। तो इसका आंसर आएगा 13 combination 2 −8 combination 2 +1, तो ये आंसर आएगा 13 × 12/2 −8 × 7/2 +1, तो ये हो जाएगा जनाब 78 −28 +1 51 आएगा। सही कैलकुलेट किया है?
ठीक है जनाब। एक मिनट दीजिएगा। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जनाब ये यहाँ पर देख लीजिए आप, सारी चीजें तो मैंने बताई थी आपको कि NC0 जो है वो बराबर होता है NCN के, बराबर होता है 1 के। NC1 निकालें या NCN-1 निकालें, दोनों बराबर होते हैं N के। NC2 बताया था, NC3 बताया था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल है, हाउ मेनी हैंडशेक्स कैन बी डन। अमंग 10 persons, 10 persons का पूछा उन्होंने। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा जनाब 10C2। सॉल्व कैसे करेंगे? जनाब ऊपर आएगा 10 × 9, नीचे आएगा 2, जो कि हो जाएगा 45। क्लियर है सबको ये? इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ हग्स, तो नंबर ऑफ हग्स भी हलाल वाले हैं, दो ही लोगों के दरमियान होंगे। तो जनाब यहाँ पर आएगा 15C2 और ये हो जाएगा जनाब 15 × 14/2, तो जनाब ये हो जाएगा 105। अब कह रहे हैं हाउ मेनी हग्स कैन बी डन आफ्टर ईद प्रेयर इफ देर आर 20 persons। तो बेटा ईद पे जैसा कि आपको पता है कि 3 दफा गले मिलते हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने जवाब को। तो जनाब यहाँ पर आंसर में 3 × 20 होगा 20 × 19/2 से, क्योंकि ईद पे 3 गले मिलने का। हग्स को 2 इसलिए लिखा है शाजिब भाई क्योंकि हलाल तरीके से जो है ना दो ही लोग गले मिलते हैं। एक वक्त में ना दो लोग गले मिलते हैं, जैसे एक वक्त में दो लोग हाथ मिलाते हैं, तो इसीलिए 2 लिखा। समझ में आ गई शाजिब? ईद प्रेयर में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, मानूर जवाब बता रहे हैं 570 आ गया। 61 का आंसर बताइए जनाब।
ये आ जाएगा जनाब 7C2, और ये हो जाएगा अली सरवर। समझ में आ रहा है भाई? अली सरवर है, चला गया, नजर नहीं आ रहा कहाँ गया भाई अली सरवर। लाइट चली गई इसकी। 21, अभी 62 बताइए। शाबाश। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि 3 गले मिलते हैं ना नॉर्मली। हर किसी का अपना त्यौहार है, लेकिन 3 जो है मेरे ख्याल ईद का त्यौहार है, मेंशन भी किया इसीलिए ईद। जनाब ऑक्टागॉन में 8 पॉइंट्स होते हैं, ट्रायंगल बनता है 3 पॉइंट से, तो जनाब ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 और डिवाइड में आएगा 3 × 2 × 1। कैंसिल कर देंगे तो 56 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? डायग्नोस का सवाल कर लिया उन्होंने। डायग्नल्स के अंदर क्या होगा कि 6C2 करेंगे, उसके बाद -6 करेंगे। डायग्नल्स मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है, तो जनाब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9। क्लियर है सबको? सिक्सटी वन में लाइंस दो हैं बेटा, लाइन बनता ही 2 पॉइंट्स है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन 2 आएगा। जितनी चीजों को यूज करेंगे उतना नीचे आता है। अगर 2 पॉइंट से लाइन बनती है तो नीचे 2 आएगा। ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनता है तो इसके नीचे 3 आएगा। कोई 4 चीजों से बनेगी तो नीचे 4 आएगा। सही है शाहजेब? मुश्किल चैप्टर है, सवाल के लिए परेशान ना हो। आतिका पूछ रही है 63 रिपीट करते हैं। बेटा नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, NC2 - N वो लगाया है। +1 तब करते हैं अब्बास जब आपसे पूछा जाता है कोलिनियर लाइंस के बारे में। यहाँ कोलिनियर का जिक्र तो कोई भी नहीं किया हुआ। और कोई चीज पूछनी है आज की क्लास के हवाले से तो पूछिए। समझ में आ गया भाई? मुश्तबा जुबैरी, मोहम्मद अवेस, राफे अली, उजैर, मानूर जैदी, उसैद, समझ में आ गया? हाशिर, हारिस, हमजा मुफ्ती, हमजा बेग, फरीहा, आयशा, अबू हुरैरा, समझ में आ गया सबको? बेटा कल क्लास नहीं लूंगा इसीलिए जुमरात और जुम्मे। सर बहुत अच्छा समझ में आया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा बहुत अच्छा समझ नहीं आया है, क्या लिख रहे हैं अबू हुरैरा? मैंने थर्सडे को क्लास ले ली थी, कल अगर क्लास होगी तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। अबू हुरैरा समझ में आया? नहीं आया। और उसे तुम्हारे समझ में आया कुछ? अच्छा,
ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, संडे को आप सबका परम्यूटेशन का टेस्ट है, जो न्यू ये काउंटिंग टेक्निक वाला चैप्टर है। हाँ, तो देखो बेटा, संडे को आप लोगों का सबका परम्यूटेशन का टेस्ट है, ठीक है, और टाइमिंग्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। और जितने भी न्यू एडमिशन है, जिसमें उसैद है, अबू हुरैरा है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि फिलहाल काउंटिंग टेक्निक्स की 6 वीडियोस जो है मैं डाल चुका हूँ, लेक्चर्स ना, वो कल परसों तक देख लें, एक दो रोज में देख लें, ताकि नेक्स्ट थर्सडे को जब मैं क्लास स्टार्ट करूँ कंटिन्यू में, तो आपको आगे की चीजें समझने में मुश्किल ना हो। और ये मुश्किल टॉपिक है, इसीलिए देर से समझ में आएगा, परेशान नहीं होइएगा। फिर फर्स्ट ईयर में तकरीबन 90% अवाम इसको चॉइस पे छोड़ती है, तो इसलिए भी मुश्किल होती है थोड़ी सी, परेशानी होगी अगर। इंशाल्लाह मैं और बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा। और मैंने जो कोरिनियर वाला सवाल था, वो प्यास और नस्ट और जीआई के मुश्किल यूनिवर्सिटीज वगैरह में आता है, बाकी तो आप सवाल देखेंगे पास्ट ईयर्स के, आपको आसान सवाल ही नजर आएंगे।